नमस्कार, स्पोर्ट्स फैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बघेल। हार्दिक पांड्या ने आईपीएल 2022 में अपनी टीम को जिताया, ट्रॉफी हासिल करी। तभी से लगातार सवाल उठ रहे थे कि हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का कप्तान कब बनाया जाएगा और हार्दिक पांड्या को कब लोग कप्तान के रूप में देखेंगे। तो आप सभी का ये जो सवाल था, इस पर एक जवाब लेकर के स्पोर्ट्स फैक्ट आपके बीच में हाजिर है, क्योंकि एक बड़ी अपडेट आई है। क्योंकि टीम इंडिया अभी 9 से 19 जून को साउथ अफ्रीका के साथ T20 मैचेस खेलेगी। 5 T20 मैच की सीरीज होगी। इसके बाद तुरंत टीम इंडिया को इंग्लैंड निकलना होगा। तो एक इकाई टीम इंडिया की आयरलैंड भी जाएगी। 26 और 28 तारीख को मैचेस होंगे, उस पर थोड़ी बात चल रही। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तमाम बात आपको बताएंगे कि कैसे समीकरण बन रहे हैं हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने के बारे में। देखिए, आईपीएल 2022 में हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे थे अपनी टीम गुजरात टाइटंस की। पहली बार उन्होंने कप्तानी करी और कई लोगों का मानना था कि शायद कप्तानी की इस पारी में हार्दिक पांड्या फेल हो जाए या ज़्यादा लंबा ना टिक पाए। लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी कप्तानी स्किल्स को डेवलप किया और अपनी टीम को टॉप पर रखा लगातार। और इतना ही नहीं, अपनी टीम को जिताया भी। आईपीएल 2022 की ट्रॉफी जीत करके उन्होंने अपनी कप्तानी का लोहा सभी को मनवा दिया। जहां आईपीएल में एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, केन विलियमसन जैसे एक्सपीरियंस्ड कैप्टन्स थे, वहीं उसी टूर्नामेंट में कंपटीशन करते हुए हार्दिक पांड्या जैसे इनएक्सपीरियंस कैप्टन, नए कैप्टन, युवा कैप्टन ने अपनी टीम को जिताया। तभी से लोगों का मानना था कि हार्दिक पांड्या में भी कैप्टनसी की एबिलिटी है, वो भी कप्तानी कर सकते हैं, बढ़िया लीडर बन सकते हैं और आने वाले वक्त में इंडिया को जिता भी सकते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इंडिया उनको कप्तान बना सकती है, टेस्ट कर सकती है कि क्या भारत के लिए भी हार्दिक पांड्या कप्तानी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि एक ही सीरीज चलती रहेगी। अभी फिलहाल जो प्रेजेंट में सिनेरियो है वो ऐसा है कि अभी साउथ अफ्रीका के साथ टीम इंडिया को खेलना है, इसके बाद इंग्लैंड भी जाना है, फिर वेस्टइंडीज़ भी जाना है, बीच में आयरलैंड भी जाना है। तो इतने ज़्यादा जो है ट्रैवल नहीं करेगी एक टीम। तो ऐसे में पॉसिबल है कि दो इकाई बन जाए टीम की और दो इकाई को दो कप्तान लीड करें। एक तरफ रोहित शर्मा कर रहे हैं, दूसरी तरफ केएल राहुल कर रहे हैं। लेकिन आयरलैंड जाने वाली टीम में हार्दिक पांड्या कप्तानी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अभी केएल राहुल T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे हैं। इंग्लैंड जाएगी जो टीम, उसमें रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। तो आयरलैंड जाने वाली टीम में कौन कप्तान होगा, ये बड़ा सवाल है। 26 और 28 तारीख को दो T20 मैचेस खेले जाने हैं आयरलैंड के साथ इंडिया के। अब उस टीम में पहली बात तो यह है कि कई सारे युवाओं को मौका दिया जाएगा। बहुत सारे युवा खिलाड़ी जो आईपीएल में उभरे, डोमेस्टिक में उभरे, उनको मौका दिया जाएगा, उनको इस टीम में शामिल किया जाएगा। और जो इस टीम का कप्तान होगा वो भी कोई युवा कप्तान होगा। अब ऑप्शन बीसीसीआई के पास काफ़ी हैं। वहीं हम श्रेयस अय्यर को देख सकते हैं, ऋषभ पंत को देख सकते हैं, लेकिन ऋषभ पंत ऑलरेडी दूसरी टीम में, श्रेयस अय्यर ऑलरेडी दूसरी टीम में है, जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी दूसरी टीम में जो इंग्लैंड जा रही है। तो कोई ऐसा खिलाड़ी है नहीं। हार्दिक पांड्या इस T20 सीरीज को छोड़ करके आयरलैंड की ये जो मैचेस होंगे, मतलब ये T20 सीरीज तब तक खत्म हो जाएगी क्योंकि 19 तारीख को आखिरी T20 मैच खेला जाएगा साउथ अफ्रीका से। तो उसके बाद हार्दिक पांड्या को आयरलैंड की टीम का कप्तान बना करके भेजा जा सकता है, जो कि 26 तारीख और 28 तारीख को आयरलैंड से दो T20 मैच खेलेंगे। तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी पारी की शुरुआत, इंटरनेशनल में कप्तानी पारी की शुरुआत आयरलैंड के इस दौरे से हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आयरलैंड में सिलेक्शन, आयरलैंड के लिए जो टीम सेलेक्ट होगी उस टीम के कप्तान के रूप में हार्दिक पांड्या का नाम सामने आएगा। बाकी आपका क्या सोचना है इस पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम खबरों के लिए स्पोर्ट्स फैक्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।